व्हाट इज महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी 2024 बिल, वेरी इंपॉर्टेंट बिल, MSPS बिल टू टैकल द नक्सलिज्म। अब यहां पर नक्सलिज्म की भी अगर हम बात करें तो पर्टिकुलरली अर्बन नक्सलिज्म को टैकल करने की बात की है। अब आप कहोगे सर अर्बन नक्सलिज्म क्या होता है, रूरल नक्सलिज्म अलग है, तो मैं बोलूंगा नक्सलिज्म की जो शुरुआत है वो हुई थी एक्चुअली रूरल एरिया से ही, जब ट्राइबल्स को लग रहा था ऐसा कि उनके ऊपर क्या किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, जल जंगल जमीन के इशू के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ रहा था, बिकॉज दे कंसिडर्ड कि ये जो रिसोर्सेज हैं हमारे रिसोर्सेज हैं, कॉमन रिसोर्सेज हैं, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ सरकार का हक नहीं होना चाहिए। सो एज अ रिएक्शन ये मूवमेंट वहां चली थी एंड इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम मार्क्सिज्म एंड माओइज्म। तो दोनों से इंस्पायर्ड होकर ये मूवमेंट आगे बढ़ती गई और इसका बेस भी बहुत बढ़ता गया। जैसे हम बोलते हैं दंत करने रीजन की बात करते हैं विच इज एक्सट्रीमली बैकवर्ड रीजन, और वहां पर इनका होल्ड बहुत अच्छा है। सो बैकवर्ड रीजन ही है, रूरल एरियाज ही एक तरह से है, लेकिन जिनसे ये इंस्पायर्ड हो रहे हैं मार्क्स से या फिर लेनिन से या फिर माओ से, उनसे इंस्पिरेशन अर्बन एरियाज में भी लोग लेते हैं जिनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम फार लेफ्ट विंग आइडियोलॉग्स। तो जो विचारधारा है उनको भी इंस्पायर करती है। तो ऑटोमेटिकली जो सिंपथी है वो ट्राइबल्स के लिए, वो नक्सल्स के लिए उनके मन में ऑटोमेटिकली आ जाती है जो अर्बन एरियाज में रह रहे हैं। अब अर्बन एरियाज में वो इनको सपोर्ट करते हैं, इनकी विचारधारा वहां लेके जाते हैं, इनके पर्सपेक्टिव वहां फैलाते हैं, इनको फाइनेंसिस में सपोर्ट करते हैं, इनको लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कई बार इनको शेल्टर भी प्रोवाइड की जाती है। सो दे आर इन्वॉल्व्ड, इंफॉर्मेशन भी देते हैं, सो दे आर इन्वॉल्व्ड विद देम ओनली इन अर्बन एरियाज। वो रूरल एरियाज में अपना काम कर रहे हैं और अर्बन एरिया से इनको हेल्प पूरी उनको दी जाती है। दैट इज व्हाट इज द आइडिया ऑफ अर्बन नक्सलिज्म। अब दैट इज वेरी मच डेट्रीमेंटल फॉर द इंडियन सोसाइटी। क्यों? क्योंकि इतनी खतरनाक इसलिए है वो, क्योंकि उनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कोई हथियार नहीं उठाए, बट वो पूरी मदद करते हैं इनको कि हथियार इनके रुकने नहीं चाहिए, जो ट्राइबल्स हैं या फिर जो नक्सलवाद काम कर रहे हैं इस लाइन में। तो ये जो बिल है ये बेसिकली अर्बन नक्सल को ही टैकल करने के लिए लाया गया है। अगेन बिल का नाम याद रखिएगा, महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी। अब एक्चुअली में तो ये बिल इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, अब जो सेशन है जो असेंबली है उसको प्रोरोग भी कर दिया गया, अब इलेक्शन के बाद ही ये दोबारा मिलेंगी। दैट मीन्स बिल इज गोइंग टू लैप्स अनलेस अनटिल कोई ऑर्डिनेंस नहीं आ जाता। सो इट डिपेंड्स अपॉन द नेक्स्ट गवर्नमेंट की ये बिल दोबारा लाके इसको लॉ बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। एक क्वेश्चन और है कि इससे पहले कोई बिल एग्जिस्ट करता नहीं, करता एक सेंट्रल बिल है जिसको हम बोलते हैं UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, दैट इज द मेन बिल जो डील करता है विद रिस्पेक्ट टू ऑल दीज थिंग्स। अब हम बात करेंगे दोनों की, दोनों के डिफरेंसेस के बारे में भी बात करेंगे। सो अनलॉफुल एक्टिविटी इन महाराष्ट्र बिल टू कर्ब द अर्बन नक्सलिज्म। सो महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड अ स्वीपिंग न्यू लॉ टू डील विद द इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ नक्सलिज्म इन अर्बन सेंटर्स। एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू कि अर्बन सेंटर्स में इनकी जो प्रेजेंस है उसको टैकल करने के लिए बिल इंट्रोड्यूस किया गया है। अब ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली टारगेट कर रहा है कि पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन किया जाए, फियर हो, एप्रीहेंशन हो पब्लिक में, और एनकरेजमेंट किसी भी तरह की कि लॉ को डिसोबे नहीं करना। आई मीन टू से कि अगर कोई लॉ को डिसोबे भी करने की कोशिश कर रहा है तब भी उसको इस एक्ट के अंदर क्या किया जा सकता है, चार्ज किया जा सकता है। ये बहुत ही खतरनाक एक्ट है। अब रीजंस क्या है गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया है क्योंकि नक्सलिज्म इज नॉट ओनली लिमिटेड टू द रिमोट एरियाज ऑफ द नक्सल अफेक्टेड स्टेट्स, बट इसकी जो प्रेजेंस है दैट इज इंक्रीजिंग इन द अर्बन एरियाज ऑल्सो, देयरफॉर इसको हमने इंट्रोड्यूस किया। अब अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट दीज फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, दे आर प्रोवाइडिंग लॉजिस्टिकल सेफ रिफ्यूज टू आर्म नक्सल्स। दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू, तो मैं इसको आपके साथ दोबारा नहीं डिस्कस कर रहा हूं कि जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है अर्बन नक्सलिज्म, ये उनको लॉजिस्टिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हेल्प करते हैं। एज अ कॉन्सिक्वेंस उनको भी चार्ज करने के लिए हमें ये लॉ लाना पड़ा। क्यों लाना पड़ा, क्योंकि UAPA में कुछ कमियां थी, UAPA को एग्जीक्यूट करना हमारे लिए टफ हो रहा था, तो हमने अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग एक लॉ बना दिया जिसमें हमने ब्रॉड पैरामीटर्स रखे कि किस किस को चार्ज किया जा सकता है इसके अंदर, कौन कौन से प्रॉब्लम के लिए चार्ज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉलोइंग एक्ट्स इधर रिटन और स्पोकन कॉन्स्टिट्यूट अनलॉफुल एक्टिविटी अंडर द महाराष्ट्र बिल, अनलॉफुल एक्टिविटी अंडर द महाराष्ट्र बिल विच कॉन्स्टिट्यूट्स अ डेंजर और मेनेंस टू द पब्लिक ऑर्डर, कुछ भी पब्लिक ऑर्डर को, पीस को खराब कर रहा है उसको इसके अंडर डाल सकते हो। अगर कोई इंटरफेयर कर रहा है विद द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक ऑर्डर, देखो कितनी ब्रॉड कैटेगरी है, विच इंटरफेयर्स और टेंड्स टू इंटरफेयर विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ, अगर कोई लॉ के साथ इंटरफेयर कर रहा है तब भी उसको इसके अंडर चार्ज किया जा सकता है। अगर किसी भी तरीके की कोई प्रोपगेशन हो रही है या फिर इंडल्ज किया जा रहा है एक्ट्स ऑफ वायलेंस, तोड़ फोड़ में इंडल्ज किया जा रहा है या फिर फियर जनरेट किया जा रहा है, एप्रीहेंशन इन द पब्लिक,
और एनकरेज किया जा रहा है कि आप फायर आर्म्स या एक्सप्लोसिव यूज करो तब भी, मतलब इतनी ब्रॉड कैटेगरी बना दी है कि आप इसके अंदर बंदों को चार्ज कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन को चार्ज कर सकते हो। अब व्हाट एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूट्स द अनलॉफुल एक्टिविटी इन महाराष्ट्र बिल, क्या है जी अनलॉफुल एक्टिविटी इन द महाराष्ट्र बिल। अब देखो अगर हम बात करें यूएपीए की डेफिनेशन की अनलॉफुल एक्टिविटी, इट इंक्लूड्स के आप देश को टुकड़ों में बांधना चाह रहे हो, आप सेसेशन की बात कर रहे हो, या फिर आप इंडिया की सॉवरेनिटी को खतरे में डाल रहे हो, यू आर डिसरप्टिंग और टेंड टू डिसरप्ट द सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, तो ये सारी चीजें क्या करती हैं अनलॉफुल एक्टिविटी में इंक्लूड की जाती हैं यूएपीए एक्ट में। और अगर हम बात करें कि इस एक्ट के अंदर हम ऑर्गेनाइजेशन को कब बोलेंगे कि उसने अनलॉफुल एक्टिविटी की है, अगर यू आर बीइंग अ मेंबर ऑफ द अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन व्हेन नॉट अ मेंबर फॉर रेजिंग फंड्स, मतलब अगर तो आप मेंबर हो ठीक है तब भी आप इसके अंडर चार्ज होगे, अगर आप मेंबर नहीं हो लेकिन आप उसकी फंडिंग में इन्वॉल्व हो तब भी आप चार्ज होगे, फॉर मैनेजिंग और असिस्टिंग इन मैनेजिंग अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन तब भी आप चार्ज होगे, फॉर कमिटिंग एन अनलॉफुल एक्टिविटी तब भी आप चार्ज होगे। अब अनलॉफुल एक्टिविटी एज पर दिस एक्ट क्या क्या है वो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया था ये सारे पॉइंट्स। नाउ ये सारे पॉइंट्स क्या यूएपीए में नहीं थे? जी नहीं, यूएपीए ब्रॉडली बात करता था, ना कि बिल्कुल सटीक ये सारी चीजों के बारे में बात करता था, जैसे कि मैंने बताया कि देश से अलग होना सॉवरेनिटी को खतरा या इंटीग्रिटी को खतरा। तो ये जो बिल है ये लोअर थ्रेशहोल्ड प्रोवाइड करता है किसी भी एक्ट को या एक्टिविटी को इंक्लूड करना इन द डेफिनेशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी, अदरवाइज अनलॉफुल एक्टिविटी यूएपी के अंडर बहुत बड़ी थी, जैसे सेसेशन की बात करना, सॉवरेनिटी को खतरा करना, लेकिन यहां पर अनलॉफुल एक्टिविटी क्या कर देगी, छोटी छोटी चीजें ऐड कर देगी। अगर आप इनमें से कुछ भी करते हो, आप पब्लिक प्रॉपर्टी को वैंडलाइज करते हो, आप किसी को भड़काते हो, आर्म्स का यूज करते हो, तो तब भी आपको इस एक्ट के अंदर डाला जा सकता है। दैट इज व्हाट इज दिस एक्ट एंड दैट इज हाउ इट इज डिफरेंट। अब फर्दर मोर यूएपी को एग्जीक्यूट करना भी बड़ा डिफिकल्ट होता था। क्यों डिफिकल्ट होता था? क्योंकि अगर आपको यूएपीए को लागू करना होता था तो उसमें आपको एडवाइजेस लेनी पड़ती थी। अंडर यूएपीए ट्रिब्यूनल हेडेड बाय जज ऑफ हाई कोर्ट कन्फर्म्स कि आपने जो डिक्लेयर किया है वो सही डिक्लेयर किया या नहीं किया। लेकिन इस बिल के अंडर क्या है जी, एडवाइजरी बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ 3 persons जो कि क्वालिफाइड हैं टू बी द जज ऑफ हाई कोर्ट आर टास्क विद कैरिंग द कंफर्मेशन प्रोसेस, कि ये जो कंफर्मेशन किया गया है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी इंडिविजुअल को, कि वो एक्ट के अंदर आ रहा है वो सही है या नहीं है। तो गाइस आई होप आई हैव ब्रीफ्ड यू विद रिस्पेक्ट टू द बिल, बाकी आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली सारा क्लियर हो जाएगा। तो बिल क्या है जी, इट इज महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल 2024, इट इज स्टिल अ बिल नॉट एन एक्ट। एक्ट तब बनेगा जब नई असेंबली आ जाएगी, इसको पास कर देगी या फिर ऑर्डिनेंस आते हैं। बिल क्यों आया है, अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कहना है टू टैकल द अर्बन नक्सलिज्म, तो क्या क्या इसमें बोला गया है कि क्या क्या हमें पॉइंट्स नजर आते हैं, मेन प्रोविजंस क्या है कि अ बिल गिव्स गवर्नमेंट द पावर टू डिक्लेयर एनी सस्पेक्ट ऑर्गेनाइजेशन एज अनलॉफुल अगर ये सारी चीजें उसमें आ रही हैं। इज दैट क्लियर? इसमें सजा कितनी है जी, सजा इसमें जो पहले तो फाइन है वो 2 lakh से लेके 5 lakh तक है, और सजा जो है वो 2 साल से लेके 7 साल तक की सजा दी गई है इसमें। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द यूएपीए बिल? यूएपीए बिल में हमने देखा ट्रिब्यूनल हेडेड बाय द जज ऑफ हाई कोर्ट, इधर हमने देखा एडवाइजरी बोर्ड ऑफ हाई कोर्ट सफिशिएंट है वो बता देगा। एंड देन हमने क्या किया अनलॉफुल एक्टिविटी महाराष्ट्र बिल में क्या है, उससे पहले देखा यूएपीए में सॉवरेनिटी के ऊपर खतरा ये बात की गई, लेकिन यहां पर बिल्कुल ही थोड़े थोड़े पॉइंट्स भी डाल दिए गए कि अनलॉफुल एक्टिविटी में आप क्या चीज इंक्लूड कर सकते हो। तो गाइस दैट वाज ऑल फॉर दिस बिल, आई होप इट इज प्रीटी मच क्लियर टू यू। तो गाइस अगर आपको आपके करियर के रिगार्डिंग या आपकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इन नंबर्स पे आप कॉल करके असिस्टेंस ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, इवन डेमो क्लासेस आर फ्री, सो जस्ट कॉल ऑन दीज नंबर्स। थैंक यू वेरी मच।